नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपको मालूम है कि नॉलेज मंडली पर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी ईएमआरएस केवीएस एनवीएस के बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार स्टडी मटेरियल लगातार अपलोड किया जा रहा है। आपके सिलेबस के कई सारे टॉपिक्स पर अलग अलग सीरीज चल रही है नॉलेज मंडली पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखें और अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार करें। मुझे मालूम है कि आप सेवा में हैं, मतलब नौकरी कर रहे हैं और बहुत समय तैयारी को आप नहीं दे पाते हैं, साथ ही सिलेबस के अनुसार स्टडी मटेरियल एक जगह पर नहीं मिल पाता है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर मैं लेकर आ रहा हूं आपके सिलेबस से संबंधित बहुत सारे स्टडी मटेरियल कंटेंट। आज के डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे CCS पेंशन रूल्स 1972 चैप्टर 4। आज के डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ एक नजर में, मतलब है पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स एट ए ग्लांस, जिसमें चैप्टर 4 पर आज हम चर्चा करेंगे इमोलमेंट्स एंड एवरेज इमोलमेंट्स, CCS पेंशन रूल 1972 के अनुसार इमोलमेंट्स और एवरेज इमोलमेंट्स क्या होते हैं उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इमोलमेंट्स किसको कहते हैं देखते हैं। इमोलमेंट्स मींस बेसिक पे एज डिफाइंड इन FR 921A1 प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस प्लस स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट। तो इमोलमेंट्स के लिए CCS पेंशन रूल्स में क्या बताया गया है। सबसे पहले बेसिक पे जो कि डिफाइंड की गई है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। FRSR रूल आपको मालूम है और FR 921A1 के अनुसार बेसिक पे को डिफाइन किया गया है, ये बात भी परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो ये रूल भी आपको ध्यान रखना है। बेसिक पे होगा FR 921A1 के अनुसार, उसके साथ में ही NPA नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है कोई अगर मिलता है, प्लस स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट कोई अगर मिल रहा है, तो इन सभी को शामिल करेंगे पेंशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बेसिक पे प्लस NPA प्लस स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट। इमोलमेंट्स विल बी रिकॉर्ड एज बिलो ड्यूरिंग वेरियस काइंड्स ऑफ एब्सेंस, मतलब किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अगर कोई एब्सेंस है, लीव लेते हैं या किसी तरीके का सर्विस में ब्रेक आता है, तो इमोलमेंट्स को किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा, ये सारा देखते हैं हम टेबल के फॉर्म में। टेबल में क्या बताया गया है, सीरियल नंबर है, नेचर ऑफ लीव इन इमीडिएटली बिफोर रिटायरमेंट डेथ, नेक्स्ट इमोलमेंट्स इनके आधार पर कैसे निर्धारित होंगे और कौन सा रूल है ये बात बता रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं लीव विद लीव सैलरी और सस्पेंशन विच इज अलाउड टू बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव अगर मिल रही है जहां पर लीव सैलरी के साथ में और सस्पेंशन को क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट कर लिया गया है या ऑर्डर दिया है कि सस्पेंशन पीरियड को पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस माना जाए, तो इमोलमेंट्स क्या होंगे देखते हैं। इमोलमेंट्स विच गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ड्रॉन हैड ही नॉट बीन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी और सस्पेंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा काउंट किया जाएगा। इमोलमेंट्स है वो निर्धारित किया जाएगा कि कर्मचारी है वो एब्सेंट ही नहीं रहा था, मतलब लीव पीरियड है उसको सर्विस में काउंट कर रहे हैं, तो जो उसने छुट्टी जाने से पहले प्रलब्धियां ले रहा है तो उसी आधार पर उसको काउंट किया जाएगा। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और दूसरा बात कंडीशन यहाँ पर बताई है कि उसको सस्पेंडेड ही नहीं माना जाएगा, जैसे कि सस्पेंड नहीं रहा हो ऐसा मान करके और इमोलमेंट्स हैं वो प्रलब्धियां हैं वो काउंट की जाएंगी सर्विस के पीरियड की और उनको कंसीडर करके और पेंशन दी जाएगी, ये बताया गया है रूल 33.1 में। सेकंड कंडीशन देखते हैं, लीव विद लीव सैलरी एंड होल्डिंग ए हायर ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट, लीव ली गई है और उसको लीव सैलरी मिल रही है और साथ में ही वो हायर अपॉइंटमेंट ले रहा है या ऑफिशिएटिंग पोस्ट ले रहा है, तो उसके लिए इमोलमेंट्स हैं वो क्या होंगे। इमोलमेंट्स विच गवर्नमेंट सर्वेंट्स वुड हैव बीन ड्रॉन इन द हायर अपॉइंटमेंट, प्रॉपर सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताया गया है कि यहाँ पर प्रलब्धियाँ किसकी मानी जाएंगी, जो पोस्ट वो हायर पोस्ट वो
ऑफिशिएट कर रहा है या हायर पोस्ट के लिए अपॉइंट हुआ है तो उसको परिलब्धियों के रूप में काउंट किया जाएगा, और ये बताया गया है रूल 33(2) में। नेक्स्ट ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, उसको क्या माना जाएगा, ऑर्डिनरी लीव पीरियड है उसको क्या माना जाएगा, क्या उसको उस पीरियड के परिलब्धियों के लिए कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया गया जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर इमोलमेंट्स विच ही ड्रू इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन सच लीव। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी बात याद रखनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कोई भी लीव सैलरी नहीं मिलती है तो वहाँ पर परिलब्धियों के लिए उसको काउंट नहीं किया जाएगा, और इसके लिए जब वो छुट्टी गया था उससे पहले मतलब अवकाश से पहले का जो वेतन वो प्राप्त कर रहा था उसको कंसीडर करेंगे। अवकाश से पहले का वेतन या परिलब्धियां हैं उनको काउंट करेंगे, किसके लिए, पेंशन के लिए, और ये बात बताई गई है रूल 33 में। फोर्थ सिचुएशन देखते हैं, अर्न लीव एंड अनऑन इंक्रीमेंट विच इज नॉट विदहेल्ड ड्यूरिंग सच लीव। मतलब ईएल में परिलब्धियां कैसे काउंट करेंगे, या ईएल में उसको इंक्रीमेंट मिलता है तो क्या उसको परिलब्धियों के रूप में काउंट करेंगे या नहीं काउंट करेंगे, देखते हैं। द इंक्रीमेंट विल बी रिकॉर्ड एज इमोलमेंट्स दो इट इज नॉट एक्चुअली ड्रोन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इंक्रीमेंट छुट्टी पीरियड में उसको मिला है उसको काउंट करेंगे इमोलमेंट्स के लिए, भले ही वो उसने वास्तविक रूप से ड्रॉन नहीं किया है, वास्तविक रूप से उसे प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि इंक्रीमेंट है वो ज्वाइनिंग के बाद में ही मिलता है। अगर छुट्टी पीरियड है और इंक्रीमेंट लगा है तो जब वो ज्वाइन करेगा तब से इंक्रीमेंट है वो ड्रॉ कर सकता है, तो चूँकि वो इंक्रीमेंट है उस पीरियड में पड़ा था और उसका लग गया है तो वो ड्रॉ नहीं किया, उसने उठाया नहीं है, फिर भी उसको इमोलमेंट्स में काउंट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। द इंक्रीमेंट शुड बी अर्नड ड्यूरिंग अर्न लीव नॉट एक्सीडिंग 120 डेज और ड्यूरिंग द फर्स्ट 120 डेज ऑफ ईएल वेयर लीव इज फॉर मोर देन 120 डेज। तो ये सिचुएशन है वो बताई गई है रूल 33(4) में। नेक्स्ट डेपुटेशन टू आर्म्ड फोर्सेस, उस सिचुएशन में इमोलमेंट्स हैं वो क्या माने जाएंगे। पे ड्रोन बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन डेपुटेशन टू द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज इमोलमेंट्स। डेपुटेशन पीरियड में जो भी वेतन वो प्रलब्धियां प्राप्त कर रहा है उसको इमोलमेंट्स के रूप में काउंट किया जाएगा सीसीएस पेंशन रूप अनुसार, और ये बताया गया है नोट 6 में। 6 कंडीशन फॉरेन सर्विस, द पे विच ही वुड हैव बीन ड्रॉन इफ ही हैड नॉट बीन ऑन फॉरेन सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मानकर कि वो फॉरेन सर्विस में गया ही नहीं, वो फॉरेन सर्विस में गया ही नहीं, ऐसा माना जाए कि अगर वो नहीं गया होता तो उसकी प्रलब्धियां क्या होती, वो मान करके और सीसीएस पेंशन रूल है उसके लिए इमोलमेंट्स है वो कंसीडर किया जाएगा। 7th पॉइंट देखते हैं, री एम्प्लॉयड पेंशनर, वो फिर से सेवा में आ गया है वो पेंशनर है तो उसके लिए इमोलमेंट्स कैसे काउंट करेंगे। इफ री एम्प्लॉयड पेंशनर ऑप्ट्स टू रिटेन हिज पेंशन फॉर अर्लियर सर्विस एंड whose pay on re-employment has been reduced by an amount not exceeding his pension, the element of pension by which his pay is reduced shall be treated as emoluments. समझने वाली बात है कि उसने अगर अपनी पुरानी पेंशन को रिटेन रखा है, मतलब सीज नहीं किया है, ये सिचुएशन हमने चैप्टर 3 में डिस्कशन कर ली है। कंडीशंस हैं वो कंटिन्यू रख सकता है अपनी पुरानी पेंशन को, बेनिफिट्स हैं पुराने सर्विस के उसको कंटिन्यू कर सकता है री एम्प्लॉयमेंट में, या वो पुरानी सर्विस है उसकी पेंशन को सीज करवा सकता है, तो ये कई सारी कंडीशंस हैं हमने चैप्टर 3 में कर लिए हैं। यहाँ पर वो कंडीशन बोल रहा है कि
वो रिटेन कर रहा है, पुरानी सर्विस की जो भी पेंशनरी बेनिफिट मिल रहे हैं उनको रिटेन कर रहा है, और न्यू अपॉइंटमेंट या री एम्प्लॉयमेंट हुआ है तो उसकी पेंशन है उसको इमुलमेंट्स को पेंशन को रिड्यूस करके और निर्धारित किया जाएगा, और ये काउंट किया जाएगा आगे की पेंशनरी बेनिफिट, मतलब री एम्प्लॉयमेंट के बाद में उसको हम इमुलमेंट्स हैं वो काउंट करेंगे, और रिडक्शन है वो जो पुरानी पेंशन मिल रही है उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता, जितना पेंशन वो ले रहा है उससे ज़्यादा री एम्प्लॉयमेंट के बाद में रिड्यूस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं 8, गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर टू एन ऑटोनोमस बॉडी। ये सिचुएशन है वो KVS, NVS और इस तरीके के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोनोमस बॉडीज के लिए हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि अधिकतर जो एम्प्लॉई है जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की परीक्षाएं दे रहे हैं तो KVS और NVS के एम्प्लॉई हैं, तो आपके लिए एप्लीकेबल है ये चीज़ ध्यान रखनी है। इमुलमेंट्स में क्या काउंट करेंगे, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर टू एन ऑटोनोमस बॉडी कंसिक्वेंट ऑन द कन्वर्जन ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन टू सच ए बॉडी एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट सो ट्रांसफर्ड ऑप्ट्स टू रिटेन द पेंशनरी बेनिफिट्स अंडर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट द इमुलमेंट्स ड्रोन अंडर द ऑटोनोमस बॉडी शैल बी ट्रीटेड एज इमुलमेंट्स। मतलब जो भी ऑटोनोमस बॉडी में इमुलमेंट्स उसको मिल रहे हैं या निर्धारित किए गए हैं तो वही पेंशनरी बेनिफिट हैं उनके लिए, या CCS पेंशन के लिए इमुलमेंट्स हैं वो काउंट किए जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे 1972 के अनुसार, और ये बात बताई गई है नोट 10 में। इसके बाद में एवरेज इमुलमेंट्स किसको बोलेंगे, एवरेज इमुलमेंट्स क्या कहलाते हैं कि पेंशन के लिए क्या एवरेज इमेलमेंट्स होंगे। एवरेज इमेलमेंट्स आर द इमेलमेंट्स ड्रोन बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग लास्ट 10 मंथ्स ऑफ हिज सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, अंतिम 10 महीने की जो सैलरी होती है जो वेतन होता है उसको काउंट करते हैं एवरेज इमेलमेंट्स के रूप में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके लिए रूल दिया गया है CCS पेंशन रूल 1972 में 34। इफ द लास्ट 10 मंथ्स कंटेन्स द फॉलोइंग पीरियड्स स्पेसिफिकली ट्रीटेड एज नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, मतलब अंतिम 10 महीनों की सेवा में वो समय या वो काल जो कि नॉन क्वालिफाइंग सर्विस उसको CCS पेंशन रूल के अनुसार क्वालिफाइंग सर्विस में कंसीडर नहीं किया जाता है, तो ये अंतिम जो 10 महीने की एवरेज इमेलमेंट्स है उसमें से घटा दिया जाएगा। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में काउंट की जा रही है। सबसे पहले है लीव विदाउट पे। निश्चित रूप से आपको मालूम है कि जो EOL होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है, या दूसरे प्रकार की लीव है जहाँ पर उसको पेमेंट ही नहीं हुआ है, तो वहाँ पर 10 मंथ्स के लिए जो एवरेज इमेलमेंट्स निकालने के लिए वो समय है वो माइनस कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। दूसरा, सस्पेंशन इवन इफ एनी इंक्रीज इन पे अदर देन इंक्रीमेंट इज नॉट एक्चुअली ड्रोन शैल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ हिज इमेलमेंट्स। सस्पेंशन पीरियड है उसमें अगर उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं किया गया है, या सस्पेंशन पीरियड में जो भी इंक्रीमेंट किए गए थे पेमेंट को इंक्रीज किया गया था परंतु उसने वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं किया, ड्रॉन नहीं किया, वास्तविक रूप से उसको मिला नहीं है, तो उसको भी इमलमेंट्स में काउंट नहीं किया जाएगा। और तीसरी कंडीशन है ओवर स्टेल ऑफ लीव है उसको सामान्य रूप से डायजनॉन के रूप में काउंट करते हैं, और आपको मालूम है कि डायजनॉन है वो क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट नहीं किया जाता, तो ये भी अंतिम 10 महीने की एवरेज इमेलमेंट्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। द अबव पीरियड ऑफ लीव सस्पेंशन शुड बी डिसरिगार्डेड एंड अनइक्वल पीरियड शुड बी एडेड बिफोर 10 मंथ्स। इन सभी को घटा करके और 10 महीने का अंतिम 10 महीने का वेतन है वो एवरेज लिया जाएगा, तो मतलब लास्ट 10 मंथ्स है वो और 2 महीने उसमें से घट गए हैं, तो उससे पहले वाले 2 महीने और लेकर के और अंतिम 10 महीने का औसत
परिसलब्धियां हैं वो निकाली जाती है और तब जा करके उसको पेंशन है वो निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट, इफ द लास्ट 10 मंथ्स कंटेन द फॉलोइंग पीरियड्स, कौन कौन से पीरियड काउंट करेंगे उनको कंसीडर करेंगे। पहला है एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी ऑन लीव फॉर विच लीव सैलरी इज पेड, तो ये तो काउंट होती है क्योंकि उस समय का उसको वेतन मिल रहा है, लीव सैलरी मिल रही है। दूसरा, सस्पेंडेड एंड रीस्टेटेड विदाउट फॉरफिटर ऑफ सर्विस, पास्ट सर्विस या सस्पेंशन पीरियड है उसको फॉरफिट नहीं किया गया है सर्विस पीरियड को, तो वो भी काउंट किया जाएगा। एवरेज इमोलमेंट्स में 10 महीने के औसत वेतन के अनुसार उसको काउंट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। द इमोलमेंट्स विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव बीन ड्रोन हैड ही नॉट बीन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी और सस्पेंडेड शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द एवरेज इमोलमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस पीरियड का उसको वेतन मिला है या उस पीरियड को ड्यूटी के रूप में काउंट किया गया है, शामिल किया जाएगा, चाहे तो वो लीव पर ही रहा हो या सस्पेंशन में रहा हो, फिर भी उसको 10 महीने की जो औसत वेतन है उसमें कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ड्रॉल ऑफ इंक्रीमेंट ड्यूरिंग ऑन लीव ईएल, ईएल पीरियड में अगर उसको इंक्रीमेंट मिलता है तो क्या उसको इमलमेंट्स में शामिल किया जाएगा, परिलब्धियों में शामिल किया जाएगा। इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज ऑन ईएल ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स, इफ द इंक्रीमेंट इज अर्नड विद इन फर्स्ट 120 डेज देन इवन दो द इंक्रीमेंट वाज नॉट एक्चुअली ड्रॉन इट वुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इमलमेंट्स। तो ये बात हम चर्चा कर रहे हैं कि अंतिम 10 महीने में अगर वो ईएल पर था, कितने दिन की ईएल पर था, तो और उस ईएल पीरियड में उसको इंक्रीमेंट भी अलॉट किया गया, इंक्रीमेंट उसको लगाया गया, तो क्या उसको कंसीडर करेंगे। निश्चित रूप से अगर इंक्रीमेंट ईएल पीरियड के फर्स्ट 120 डेज में दिया गया है तो इमलमेंट्स में उसको शामिल किया जाएगा, भले ही उसने इंक्रीमेंट है वो ड्रॉ नहीं किया, मतलब वो प्राप्त नहीं किया है, परंतु इंक्रीमेंट लग चुका था 120 दिनों के अंदर जबकि वो ईएल पर था। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स फॉर एवरेज इमलमेंट्स, इसको कंसीडर करना है, देखना है कैसे डिटरमाइन करेंगे। बेस्ड ऑन द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज कंटेंड इन ईच मंथ, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज को कंसीडर करके और एवरेज इमलमेंट्स है वो लिया जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल फर्स्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स ऑन 16 जून 2014, द 10 मंथ्स पीरियड फॉर एवरेज इमलमेंट्स विल बी एज फॉलोज। कैसे काउंट करेंगे, 18 अगस्त 2013 टू 31 अगस्त 2013, नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने हुए, 14 डेज हुए। इसके बाद में 1 सितंबर 2013 टू 31 मई 2014, 9 मंथ्स हैं। और 1 जून 2014 टू 16 जून 2014 टोटल 16 डेज हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि उसके कितने महीने हो गए हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेशन के बाद में निकल के आएगा उसके 10 महीने हो जाएंगे। यहाँ पर इनको टोटल करेंगे 0, 3 और ये 9, तो 30 दिन का 9 महीने प्लस 30 दिन तो टोटल हो जाएंगे इसके 10 मंथ्स। और इस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे हम एवरेज इमलमेंट्स के रूप में। आज के वीडियो में चर्चा करी परिलब्धियों के बारे में, इमलमेंट्स क्या होते हैं और साथ में ही वो कैसे काउंट किए जाते हैं, एवरेज इमलमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, इनको भी कैसे काउंट करते हैं, सारी बातें हमने चर्चा करी बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज़ द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।